गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, दिस इज योर फिजिक्स क्लास एंड इन दिस क्लास वी विल न्यू टॉपिक व्हिच इज स्टेट्स ऑफ मैटर। वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द मैटर एटम एंड मॉलिक्यूल्स। मैटर इज एनीथिंग व्हिच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास, that is called matter, and the atom is the smallest particle of the matter. So here we discuss the state of matter, that means padarth ki avasthaen. So according to the arrangement of the molecules of the matter, there are three state of matter. First is the solid state, second is the liquid state, and third is the gaseous state. So let us study one by one. The state of matter in which constituent molecules are closely packed is known as solid. As you know, in solid, molecules are very close to each other and they have a strong intermolecular force. As you know, intermolecular force means the force of attraction between two molecules of matter. Matter में जो molecules होते हैं उनके बीच में एक अट्रैक्शन का फोर्स लगता है और वो अट्रैक्शन का फोर्स मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे से बांधे रखते हैं। इसी फोर्स को हम लोग इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। सो इन सॉलिड देयर इज अ स्ट्रांग इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। सॉलिड हैव अ फिक्स शेप एंड साइज। सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ही स्ट्रांगली जुड़े हुए होते हैं, इस वजह से सॉलिड के एक फिक्स शेप होते हैं और उनका एक डेफिनेट साइज भी होता है। सॉलिड्स हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम आल्सो। मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड रिमेन फिक्स्ड एंड वाइब्रेट अबाउट देयर मेन पोजिशन। सॉलिड्स में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अपने ही स्पेस, अपने ही प्लेस पे रह करके ही मोशन करते हैं। वो बस टू एंड फ्रो आगे पीछे होते रहते हैं या फिर अप्स एंड डाउन, ऊपर नीचे मूव करते रहते हैं। उनका प्लेस बदलता नहीं है, बट वो अपने प्लेस पे ही वाइब्रेट करते हैं, अपने प्लेस पे ही वो मोशन करते हैं। नेक्स्ट इज द सॉलिड्स कैन नॉट बी कंप्रेस्ड ईजली व्हेन प्रेस्ड। जब सॉलिड को हम दबाते हैं तो ये दबते नहीं हैं, ये ईजली कंप्रेस नहीं होते हैं। ड्यू टू द स्ट्रांग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स सॉलिड एक्सपेंड वेरी लिटल ऑन हीटिंग। जब हम सॉलिड को गर्म करते हैं, as you can say that when we increase the temperature, the molecules of the solid less expand, usme jo hai phailav bahut kam hota hai. Solids are hard and rigid but can be beaten either into sheet or into powdered form. Solid बहुत ही सख्त होते हैं, बहुत ही कड़े होते हैं, और जब इसे बीट किया जाता है, इसे जब चोट पहुंचाया जाता है, इसे पीटा जाता है, तो ईजली ये शीट में कन्वर्ट हो जाते हैं और कुछ पाउडर में भी कन्वर्ट होते हैं। सो दीज आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर। नाउ वी मूव फॉर द लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर्स। लिक्विड
इज दैट स्टेट ऑफ मैटर इन विच द कॉन्स्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल्स आर नॉट वेरी क्लोजली पैक्ड. इन सॉलिड मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली पैक्ड, बट इन लिक्विड लूजली पैक्ड. सो देर आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर. द इंटरमोलिकुलर स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड लाइक वाटर, मर्करी एटसेट्रा इज मोर देन द सॉलिड. जो मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस होते हैं, सपोज दैट दीज आर द मॉलिक्यूल्स ऑफ द मैटर, देन द स्पेस बिटवीन देम इज मोर देन द सॉलिड. सॉलिड के अपेक्षा लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस ज्यादा होता है, इंटरमोलिकुलर स्पेस ज्यादा होता है. द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लेजर इन लिक्विड देन द सॉलिड, दैट व्हाई दे आर लूजली पैक्ड. द मॉलिक्यूल आर नॉट फिक्स्ड एट देयर पोजिशन एंड कैन मूव फ्रीली. लिक्विड में मॉलिक्यूल्स फिक्स नहीं होते हैं, ये मूव करते हैं, रैंडमली मूव करते हैं. सो नेक्स्ट पॉइंट इज लिक्विड्स डू नॉट हैव अ फिक्स्ड शेप. और चूंकि ये मूव करते हैं सो इसके कोई डेफिनेट शेप नहीं होते हैं. एंड टेक द शेप ऑफ द कंटेनर दे आर पॉर्ड इन. फिर लिक्विड को हम जिस कंटेनर में रखते हैं लिक्विड उसी कंटेनर का शेप धारण कर लेता है. इवन दो द इंटरमोलिकुलर फोर्स आर वीकर इन लिक्विड्स देन इन सॉलिड, द मॉलिक्यूल्स आर नॉट कंप्लीटली फ्री. दैट एक्सप्लेन व्हाई दे हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम. चूंकि ये कंप्लीटली फ्री नहीं होते हैं लिक्विड के मॉलिक्यूल, आपस में जुड़े होते हैं, लेकिन जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है वो कम होता है. इस वजह से ये इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते हैं, ये एक दूसरे से जुड़े रहते हैं. और इस वजह से ये जिस कंटेनर में हम लिक्विड को डालते हैं उसी कंटेनर का शेप धारण कर लेता है और उसी का ये वॉल्यूम भी. द थर्ड स्टेट ऑफ मैटर इज द गैसियस स्टेट. गैस इज दैट स्टेट ऑफ मैटर इन विच द कॉन्स्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल्स आर वेरी लूजली पैक्ड. गैसियस स्टेट में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बिल्कुल ही फ्री होते हैं, इनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत ही कम होता है, शून्य के बराबर होता है, होता ही नहीं है. इस वजह से गैस के मॉलिक्यूल्स बिल्कुल इंडिपेंडेंट होते हैं. सो द इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस इन गैसेस इज लार्ज. द इंटरमोलिकुलर फोर्स इन गैसेस इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल. चूंकि मॉलिक्यूल्स काफी दूर होते हैं और उनके बीच में स्पेस काफी ज्यादा होता है, सो इंटरमोलिकुलर फोर्स नहीं के बराबर होता है. ड्यू टू दिस द मॉलिक्यूल इन गैस आर वेरी लूजली पैक्ड. और फिर चूंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है तो वो एक दूसरे से जुड़े नहीं होते हैं, वो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से फ्री होते हैं. सो देयर इज नो फिक्स्ड शेप, नो फिक्स्ड साइज एंड नो फिक्स्ड वॉल्यूम इन गैसियस स्टेट. द मॉलिक्यूल इन गैस मूव फ्रीली इन ऑल डायरेक्शन दैट इज एक्सक्यूटिंग जिग जैग मोशन कंटिन्यूसली. गैसेस स्टेट में मॉलिक्यूल्स रेंडम मोशन करते हैं और उनके मोशन का कोई एक फिक्स डायरेक्शन नहीं होता है, वो जिग जैग मोशन करते हैं. जिग जैग मीन्स जिधर तिधर, जैसे तैसे. गैसेस हैव नाइदर अ फिक्स्ड शेप नॉर अ फिक्स्ड वॉल्यूम. They occupy all the space available to them. Gases can be compressed to a large extent. Gas also expand a lot
ऑन हीटिंग। जब गैस को गर्म किया जाता है या जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो गैसेस स्टेट का एक्सपेंशन काफी ज्यादा होता है एंड गैसेस आर नॉट एट ऑल रिजिड, और ये बिल्कुल भी सख्त नहीं होते हैं, ये बिल्कुल भी सॉलिड की तरह कड़ा नहीं होते हैं। सो दीज आर द सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गैसियस स्टेट। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज डिफरेंस बिटवीन सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस। फ्रॉम द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस वी डिफ्रेंशिएट बिटवीन देम वेरी इजली। द मॉलिक्यूल्स इन अ सॉलिड आर टाइटली पैक्ड वाइल द मॉलिक्यूल इन अ लिक्विड आर नॉट वेरी टाइटली पैक्ड, हेंस द इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस इज मॉडरेट। बट हियर द इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस अमंग द मॉलिक्यूल्स इज लिस्ट, बहुत कम होता है, और लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस थोड़ा सा सॉलिड से ज्यादा होता है। बट हियर इन गैसेस स्टेट द मॉलिक्यूल्स इज अ गैस आर लूजली पैक्ड, दैट इज द इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस इज मैक्सिमम। सेकेंड द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आर द स्ट्रांगेस्ट इन सॉलिड, बट in liquid there is less intermolecular force than the solid and there is no intermolecular force between the molecules in gaseous state. Solid have a fixed shape and size and possesses a definite volume, but in liquid definite volume not fixed shape or size, but in gaseous state there is no fixed shape, no fixed size and no fixed volume. Solid are rigid, liquid are less very rigid, but gases are not rigid at all. ये बिल्कुल भी rigid नहीं होते हैं. Solid, the molecule in a solid do not move, but only vibrate about their mean position. ये अपने ही मध्य बिंदु के आसपास motion करते रहते हैं, vibrate करते रहते हैं. Liquid में the molecules in a liquid can move in all direction but within the boundary, or you can say that in a container. Liquid को जिस बर्तन में हम रखते हैं, जिस container में रखते हैं, उसी के चारों तरफ, उसी के अंदर ही, within the boundary, वो liquid के जो molecules होते हैं वो motion करते रहते हैं. But in gases molecules can move freely and are in a state of continuously random motion. आप जिस कंटेनर में इसे रखोगे गैसेस मॉलिक्यूल को, वो मॉलिक्यूल उस कंटेनर में रहना ही नहीं चाहता है. अगर कंटेनर ओपन है तो वो फ्रीली एयर में जाकर के मिल जाएगा. सो these are the differences between solid, liquid and gases. Now there is some question. Arrange solid, liquid and gases in order of increasing intermolecular space. As you know, there is a large space between the molecules in gaseous state. So, increasing order, there is a less molecular space in solid, there is more molecular space between the molecules than the solid, and gaseous state there is large molecular space. So, the sequence will be solid, liquid, gases. Have a fixed shape and size, that means solid have a fixed shape and size. Have a fixed volume but no fixed shape, this is the liquid have fixed volume but no fixed shape. Have neither fixed shape nor volume, this is the gaseous state of matter. So here solid, liquid and gas. Now
नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज चेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर. दैट मीन्स द स्टेट ऑफ मैटर्स आर इंटरचेंजेबल. दिस कैन बी ऑब्जर्व्ड ऑन हीटिंग मैटर. एज फॉर एग्जाम्पल हियर यू कैन सी दिस इज आइस वाटर एंड द वाटर वेपर. This is the solid state of water, this is the liquid state of water, and this represent the gaseous state of water. When we increase the temperature in solid state, the ice melt and become water, which is liquid state. And also when again rise temperature, this is liquid state convert into gaseous state, that means water vapor. So generalized way, when we increase the temperature, the space between the intermolecular space, you can say the intermolecular space also increase. But in reverse way, when we freeze this water vapor, cool down and become water, and again we freeze, or you can say decrease the temperature, the water freeze and become ice, that means a solid state. So when we increase the temperature, the space between the molecules increases, and when decrease the temperature, the space between the molecules of matter decreases. So like water, other materials can also change from one state to the other through the different process, like just melting, boiling, evaporation and the condensation. Overview of this chapter is, first, matter is anything that has a mass and occupy a space. Matter is made up of various elements combined in different proportion. Second thing is a molecule. So molecule is the smallest unit of matter which can exist freely state, or you can say independently, and have all the physical and chemical properties of the matter. Molecules of matter are very small and have a space between them. They move constantly and they attract to each other, and after that the state of matter have three state: solid, liquid and gaseous state. Based on their arrangement of molecules in matter, intermolecular force is very strong in solid state and less strong than the solid in liquid state, and intermolecular force is negligible in gaseous state. So these are the three states of matter, and all these three states of matter can be interchanged from one state to another state. So now for today this is enough. In next class we will do the exercise of this chapter, and the exercise, this is the fill in the blanks, true, false, correct option and matching. This is your homework. You will try in your home. Thank you for today.